हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल शीना जोन। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द प्रेजेंट परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ऑन दिस चैनल, सो यू कैन चेक इट। मैं इसको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस की। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या होते हैं। अगर आपने रूल वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है? आप एंड में देख रहे होंगे इनके एंड में या है देखा है, ऐसे सेंटेंसेस हमारे होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या तुम्हारे भाई ने अपना कार्य कर लिया है? जिनका आंसर हम येस और नो में करते हैं उनकी स्टार्टिंग होती है हैज़ और हैव से, मतलब हेल्पिंग वर्ब से। अब तुम्हारा भाई एक भाई है, सिंगुलर है, तो लिखेंगे हैज़। तुम्हारे भाई को इंग्लिश में लिखते हैं हैज़ योर ब्रदर। फिर आती है सबसे पहले हैज़ और हैव आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। करने को बोलते हैं इंग्लिश में डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। हैज़ योर ब्रदर डन तुम्हारे भाई ने अपना कार्य, डन हिज वर्क। देन हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नाउ हमारा सेंटेंस बन गया हैज़ योर ब्रदर डन हिज वर्क। क्या दूध वाला अभी तक नहीं आया है? देखिए दूध वाला सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले लगाएंगे हम हैज़। दूध वाले को इंग्लिश में हम बोलते हैं मिल्क मैन। हैज़ द मिल्क मैन नहीं आया है, सबसे पहले लिखेंगे नॉट। आने को इंग्लिश में कम बोलते हैं, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही रहती है। एंड सेकंड फॉर्म आपको पता होगा क्या हो जाती है, केम हो जाती है। अभी तक को इसमें लिखेंगे हम सो फार। सो हमारा सेंटेंस यहाँ पे हो गया हैज़ द मिल्क मैन नॉट कम सो फार। क्या तुमने कभी सफ़ेद हाथी देखा है? ऐसा पूछते हैं ना, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। तुमने को इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ यूज़ होता हैव। Have you कभी को बोलेंगे ever। अब देखने को इंग्लिश में see बोलते हैं, see की थर्ड फॉर्म होती है seen। Have you ever seen a white elephant? सफ़ेद हाथी को इंग्लिश में बोलते हैं white elephant। Then हम लगा देंगे question mark। क्या सूर्य अभी नहीं निकला है? Has द सन, फिर लगाएंगे, अब इसमें नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे। हैज़ द सन नॉट, निकलने को इंग्लिश में राइज बोलते हैं, राइज की थर्ड फॉर्म होती है राइजन। अभी को इंग्लिश में लिखेंगे येट, तो हमारा हो जाएगा हैज़ द सन नॉट राइजन येट। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है? क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया? उन्होंने को इंग्लिश में हम लिखते हैं दे। अब आपको पता होगा दे के साथ हम किसका यूज़ करते हैं हैव। Have they not, अब यहाँ पे नहीं आया था इसलिए क्या लिखा not। बुलाने को इंग्लिश में कॉल लिखते हैं, थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी ed लगा के called। Have they not called you? देन हम पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क। क्या वह गीत गा चुकी है? वह गीत गा चुकी है, यहाँ पे वह लड़की के लिए यूज़ हो रहा है, लड़की के लिए वह यूज़ होता है तो इसको बोलते हैं she। तो आएगा has she, गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग बोलते हैं संग, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। हैज शी संग अ, गीत को इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग। सो हमारा सेंटेंस होगा हैज शी संग अ सॉन्ग। क्या माताजी ने ताजमहल नहीं देखा है? हैज़, आपको पता होगा आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या यूज़ करेंगे आप हैज़ का। हैज़ द मदर नॉट, अब नहीं आ रहा है सबसे पहले नॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखने को सी बोलते हैं, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है सीन। हैज़ द मदर नॉट सीन द ताजमहल, अब देखिए जो ताजमहल है इसका टी मैंने कैसे बनाया, कैपिटल बनाया। जब भी कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उसमें हम क्या बनाते हैं टी कैपिटल। क्या पिताजी सो गए हैं? हैज़, अब पिताजी एक हैं तो सिंगुलर लगाएंगे, हैज़ लगा दिया। हैज़ द फादर, सोने को इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी स्लेप्ट। हैज़ द फादर स्लेप्ट,
आप अपने डेली लाइफ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ट्रांसलेशन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए बहुत गौर से देखिएगा कि कैसे कैसे हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्या हरी ने तुम्हारी पुस्तक चुराई है? हैज़ हरी ने, हैज़ हरी, चुराने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टील, स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। हैज़ हरी स्टोलन योर बुक, पुस्तक को हिंदी में, सॉरी पुस्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बुक। हैज़ हरी स्टोलन योर बुक। क्या माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है? आप एक बात देखिए, इन सब के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? क्या, ऐसे वर्ड जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है उनका फॉर्मूला सिंपल होता है, या तो हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नेगेटिव है नहीं आ रहा है तो नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंपल पॉजिटिव, क्या पिताजी सो गए हैं, सिंपल हैज़ हैव लिखेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। अब देखिएगा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं था, सिंपल है क्या पिताजी सो गए हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या पिताजी बिस्तर पर सो गए हैं? हैज़ द फादर स्लेप्ट ऑन द बेड, बिस्तर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बेड। तो मैं वीडियो डाल दूंगी जल्दी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्या माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया है? हैज़, माँ को आपको बताइए क्या बोलते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। हैज़ द मदर, नॉट, यहाँ पे नहीं आ रहा था तो मैंने नॉट लगाया, ऐसे बोल सकते हैं, ईट तो लिख ही सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हैज़ द मदर नॉट टेकन हर फूड येट। अब आप एक बात देखिएगा इसके अंदर, अभी को यहाँ पे इंग्लिश में येट लिखा है, खाने को इंग्लिश में टेक बोला है, खाना खाना, यहाँ पे टेकन की जगह ईटन भी लिख सकते थे। तो आपको आई होप ये वीडियो समझ आ रही होगी, इस वीडियो को एंड तक देखिए। अब देखेंगे हम WH इंटरोगेटिव वर्ड्स की ट्रांसलेशन कैसे होती है, जैसे मैं कितने बजे सोऊंगा, ये तो देखिए फ्यूचर टेंस हो गया। जैसे यहाँ पे है, आप देखिए, क्या हरी ने तुम्हारी पुस्तक चुराई है? हरी ने तुम्हारी पुस्तक क्यों चुराई है, ऐसे भी लिखते हैं ना, तो क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट ट्रांसलेशन इसी चीज़ से रिलेटेड। अब देखते हैं चपरासी कहाँ गया है। देखिए चपरासी को इंग्लिश में प्योन बोलते हैं, अब प्योन सिंगुलर है तो उसमें हैज़ लगाएंगे, लेकिन आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या रहा है, कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में हम लिखते हैं पहले वेयर, फिर लगाएंगे हैज़ और हैव। वेयर हैज़ द, चपरासी को इंग्लिश में लिखते हैं प्योन, वेयर हैज़ द प्योन गोन, जाने को गो बोलते हैं, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं? वाई। वे को इंग्लिश में दे लिखते हैं और दे के साथ क्या लगाते हैं? हैव। वाई हैव दे नॉट, नहीं है तो नॉट लगाए पहले, फिर लिखेंगे गोन टू दिल्ली। और आप देख रहे होंगे दिल्ली का मैंने डी क्या बनाया है? कैपिटल बनाया है। उन्होंने आज क्या खाया है? क्या, वॉट, क्या को इंग्लिश में वॉट लिखते हैं? उन्होंने, दे ही बोलते हैं उन्होंने को भी। वॉट हैव दे ईटन, खाने को क्या बोलते हैं? ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। वॉट हैव दे ईटन टुडे, आज को इंग्लिश में हम लिखते हैं टुडे। तुम्हारा परिवार कब से दिल्ली में रह रहा है? तो इसमें क्या होगा, देखिए कब से, सिंस वैन, तुम्हारा परिवार, एक परिवार है तो आप हैव नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा हैज़ यूज़ करेंगे। सिंस वैन हैज़ योर फैमिली, रहने को इंग्लिश में लिखते हैं लिव, लिव की थर्ड फॉर्म होती है लिव्ड। हैज़, सिंस वैन हैज़ योर फैमिली लिव्ड इन दिल्ली। अब आप बड़े से बड़े सेंटेंस की ट्रांसलेशन ईजिली कर सकते हैं अगर आपको रूल्स पता होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तुमने अब तक कितने प्रश्न कर लिए हैं? कितने, कितने को इंग्लिश में लिखते हैं? हाउ मैनी क्वेश्चंस हैव यू डन। अब तुमने आया था, तुमने को यू बोलते हैं और मैंने बताया था यू के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैव। करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। डन सो फार, अब तक को इंग्लिश में बोलेंगे सो फार। तुम भारत में कब से रह रहे हो? कब से, हाउ लॉन्ग,
Have you been in India? देखिए रहने को lived बोलते हैं, लेकिन अगर आप एडवांस इंग्लिश की बात करें तो आप इस सेंटेंस में लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन इंडिया. लिख सकते हैं आप हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन इंडिया, बट करेक्ट वे है बीन लगाना यहाँ पे. तुमने सुबह से चाय के कितने प्याले पी लिए हैं? अब बहुत जनों को चाय बहुत अच्छी लगती है, तो जब भी आप किसी से ऐसा क्वेश्चन पूछना हो तुमने कितने चाय पी लिए हैं अब तक, तो आप लिखेंगे कितने, हाउ मैनी. देखिए चाय के कप को हम गिन सकते हैं तो यहाँ पे लिखा हाउ मैनी, लेकिन अगर कोई चीज़ गिनी ना जा सकते तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउ मच. मैंने पहले ही इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है कि डिफरेंस बिटवीन हाउ मच एंड हाउ मैनी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इन चीज़ का डिफरेंस. हाउ मैनी कप्स ऑफ टी हैव यू ड्रंक. पीने को ड्रिंक बोलते हैं, लेकिन ड्रंक क्या होती है, थर्ड फॉर्म. हाउ मैनी कप्स ऑफ टी हैव यू ड्रंक सिंस मॉर्निंग. देन हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क. तुम्हें आज किसने बुलाया है, किसने, हु हैज कॉल्ड यू टुडे. अब यहाँ पे देखिएगा तुम्हें आज किसने बुलाया, आप ये मत समझना यू है तो हम क्या लगाएंगे हैव. मैं तुमसे क्वेश्चन पूछी तुम्हें आज किसने बुलाया है, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तुम सिंगुलर एक जने हो, तो इसलिए हमने क्या लगाया हु हैज़ कॉल्ड यू टुडे. कुत्ते रात को ही क्यों भौंके हैं. ध्यान, ऐसा आपको लगता होगा ये सेंटेंस आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी बोले हैं, कुत्ते रात को ही क्यों भौंके हैं, आज कुत्ते रात को ही क्यों भौंके हैं, कल कुत्ते रात को ही क्यों भौंके थे, यहाँ तो है. तो देखिए क्या लिख सकते हैं, क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वाई, वाई कुत्ते, अब बहुत सारे कुत्ते हैं, वाई हैव द डॉग्स. आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी कि कुत्ते भौंक रहे हैं, देखिए कुत्तों का सेंटेंस चल रहा है, कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट कर दिया. सो चलिए पढ़ाई की तरफ देखते हैं. Why have the dogs, भौंकने को इंग्लिश में बार्क बोलते हैं, Why have the dogs bark, bark की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, barked. Why have the dogs barked only at night. वैसे ये सेंटेंस देखा जाए तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, कुत्ते रात को ही क्यों भौंकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुत्ते स्पेशली आज की रात को ही भौंक रहे हैं, तो इसमें लिख सकते हैं वाई हैव द डॉग्स बार्क्ड ओनली एट नाइट. ओके, शिकारी ने शेर को क्यों नहीं मारा, शिकारी ने शेर को क्यों नहीं मारा. देखिए क्यों, वाई, अब शिकारी एक है तो वाई हैज द हंटर, नहीं आ गया तो नहीं के बाद नहीं के लिए लिखेंगे नॉट. मारने को हंट भी लिख सकते हैं, किल भी लिख सकते हैं, हंट की थर्ड फॉर्म होगी हंटेड. वाई हैज़ द हंटर नॉट हंटेड द, शेर को क्या बोलेंगे, लायन. ओके, वाई हैज़ द हंटर नॉट हंटेड द लायन. आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर सकते हैं. मेरे चैनल पे पहले भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, हु वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर ट्रांसलेशन. थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट इन द नियर फ्यूचर इफ माई न्यू वीडियो विल कम यू विल गेट द नोटिफिकेशन फास्ट. थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग.